दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को काइन मास्टर के न्यू अपडेट के बाद ऑडियो की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वो जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने काइन मास्टर के अंदर वो उनके ऑडियो फोल्डर में शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपनी ऑडियो को जो आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने काइन मास्टर के अंदर। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे न्यू कूल ऑप्शनेड चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों कई सारे लोगों को काइन मास्टर के न्यू अपडेट के बाद काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और दोस्तों उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो है ऑडियो की। मतलब दोस्तों काइन मास्टर में कई सारे लोग जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोस्तों वो रिकॉर्डेड जो ऑडियो है वो उनको फाइल मैनेजर में शो नहीं हो रही है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाकर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपने स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैं काइन मास्टर को सर्च कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए जैसे कि मैं यहां पर आता हूं काइन मास्टर जो मेरा फोल्डर है यहां पर आ चुका है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो ऑडियो का ऑप्शन है यहां पर ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। दोस्तों यहां पर जो है ये जो ऑडियो है ये मेरी पहले की पड़ी हुई है लेकिन दोस्तों यहां पर जो है आपकी रिकॉर्डेड ऑडियो आपको शो नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता भी देता हूँ। जैसे कि मैं बैक जाता हूँ काइन मास्टर को ऑन करता हूँ। अब दोस्तों यहां पर जो है मैं सिंपली क्या करूंगा मैं यहां पर ऑडियो एक रिकॉर्ड करूंगा। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों सिंपली देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेरी ऑडियो वो रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी वो हम देखते हैं। तो दोस्तों मैंने सिंपली यहाँ पर स्टॉप किया। अब दोस्तों मैं सिंपली जाऊँगा देखिए यहाँ पर जो मेरी ऑडियो वो यहाँ पर शो हो चुकी है मतलब रिकॉर्डेड हो चुकी है। अब दोस्तों मैं सिंपली बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद दोस्तों मैं जाऊँगा अपने फाइल मैनेजर में। दोस्तों ये वही फोल्डर है जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये वही फोल्डर है जो आपको काइन मास्टर का ऑडियो फोल्डर है लेकिन दोस्तों इसमें आपको ऑडियो शो नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो काइन मास्टर की ऑडियो बुक आपको कहां पर शो होने वाली है। दोस्तों आपको सिंपली बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए आपके काफी सारे फोल्डर आपको यहां पर शो हो जाएंगे लेकिन दोस्तों आपको इसमें से सिर्फ एक फोल्डर जो है यहां पर ढूंढ लेना है। आपको यहां पर देखिए जैसे कि आपको यहां पर जो है म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। म्यूजिक वाला फोल्डर आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको सिंपली म्यूजिक वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर देखिए लिखा आ गया ऑप्शन आ चुका है काइन मास्टर बॉइस। तो यहाँ पर देखिए काइन मास्टर बॉइस पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी ऑडियो से जो आपने रिकॉर्डेड की है काइन मास्टर में वो आपको यहाँ पर शो हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑडियो जो है मैंने यहाँ पर रिकॉर्डेड की है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखिए प्ले करके बता देता हूँ यहाँ पर जो ये सारी ऑडियो जो है काइन मास्टर की जो मैंने रिकॉर्डेड की थी। तो इस तरीके से जो आपको सारी की सारी ऑडियो जो है यहाँ पर दिख जाएंगी म्यूजिक वाले ऑप्शन में। दोस्तों कई लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि वो आपकी जो ऑडियो थी ऑडियो आपको मिल नहीं रही थी। अब दोस्तों आप इस तरीके से आपकी जो ऑडियो है यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड ऑडियो है वो ढूंढ सकते हैं और दोस्तों प्ले कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इस न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।